कृष्ण जी का थर्ड सन इस समय सेकंड बिकॉज सबसे बड़े भाई साहब अभी गुजर गए हैं दो स, आ, लास्ट ईयर एंड uh, पिताजी के बारे में कुछ बता दूं क्योंकि उनका जन्मदिन आज हंड एंड फोर्थ बर्थ एनिवर्सरी है उनकी एंड उनका जन्मदिन ही शेयर्ड अलोंग विद सुनील दत्त जी सेम डे मैं एक फ़ोटो ये अभी देख रहा था जिसमें पिताजी और सुनील दत्त जी जो अच्छे दोस्त ही थे इनफैक्ट एक्चुअली एंड मैंने कहा ये आपसे बांटूँ ये मेरे दीदी के शादी के टाइम की थी मैं एल्डस्ट सिस्टर uh, उनके शादी के टाइम पर ये भी मतलब से थी जहाँ पर आर के नयर एंड साधना जी हैं दिस इज़ आर के नैर एंड साधना जी जिनके सभी पिक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम लव इन शिमला सभी पिक्चरों में डैडी जी ने ही अपने मतलब से गाने लिखे थे उनके उनके लिए एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड सो साधना जी इनफैक्ट एक्चुअली इज़ दैट वन पर्सन जहाँ उनकी फ़र्स्ट हिंदी फिल्म एंड हर लास्ट हिंदी फिल्म गीता मेरा नाम दोनों में पिताजी का ही गाना थे तो ये इसमें हाँ जी तो तो ये तो खैर ये फोटोग्राफ वेरी चेरी फोटोग्राफ अगेन मेरे मदर मतलब से इसमें रफी साहब के साथ पिताजी क्योंकि मदर मतलब से इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी 343 हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री सॉन्ग्स दे उससे थोड़े प्लस ही होंगे जो राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखे हैं जिसमें रफ़ी साहब ने गाया हुआ है वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट और वो मेरे चाचा जी हैं जो कि प्रोड्यूसर थे इंक्लूडिंग डोली एंड ज्वार भाटा जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हुई थी सो so, और ऑफ ऑफकोर्स पिताजी उनके सारी फिल्मों में के लिए राइटर होते थे सॉन्ग्स एंड आईरोग्स पिताजी ये बात है कि एक्चुअली अभी आजकल राजेंद्र कृष्ण जी को नाम से वैसे तभी याद करते हैं जो रेस गोर और जो बिना से उस जमाने से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सब यही याद है कि अच्छा वो वही हैं जो कि मतलब वैसे जिन्होंने जिनको जैकपॉट था वो वही थे जो जिन्होंने वो गाने लिखे वो उनको नहीं याद रहता उनको वो जैकपॉट के बारे में ही याद रहता है और जैकपॉट के बारे में तो ये था कि पिताजी जब रेस कोर्स में एक बार बैठे हुए थे और कह रहे थे कि यहाँ मैंने बहुत पैसे लगाए हुए हैं रेस कोर्स को देखते हुए एस डी नारंग जी के साथ कोई फिल्म कर रहे थे वो एंड उन्होंने उनके रूम में से मतलब ये कहा था कि यहाँ मेरे बहुत पैसे लगे हैं एक दिन आकर ले जाऊँ ले जाऊँगा एंड शॉर्टली कुछ आफ्टर विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स जिसमें ये बात आ जाती है कि जैसे उन्होंने जब जॉनी मेरा नाम के लिए दो ही गाने लिखे थे गुलशन राय जी के लिए वो मेरे राजा जो लिखे हैं लोगों को ये लगता था कि वो उन्होंने मतलब लिखा एंड uh, जैकपोट के हिसाब से लिखा बट uh, जैकपॉट के होने से एक साल पहले जॉनी मेरा नाम हुई थी उस समय एक छोटा जैकपॉट लगा था जब केविन बंदे ये है तो मे तो बी दिस गाना वॉज लकी एंड उनके बंदे उसे जैकपॉट के लिए वो गाना जरा सा लकी साबित हो गया प्रॉबेबली तो हाँ जी हाँ टफ क्वेश्चन क्योंकि सोलह सौ से ऊपर गाने उन्होंने लिखे हुए हैं एंड अगर उसमें अगर अगर कहा जाए तो फिर ये जिंदगी उसी की है पल पल दिल के पास ऑफ़ कोर्स यू मेरे लिए तो यू हसरतों के दाग बंदो वैसे बहुत बहुत करीब है मेरे लिए एंड देन हम प्यार में जलने वालों को एंड पिताजी का गाना मतलब वैसे वॉट फेवरेट अदालत में से भी पिताजी का फेवरेट गाना होता था इट वॉज जाना था हमसे दूर क्योंकि मैं छोटा बच्चा था जब हम लोग हमारे पेट्रोल वाले घर पर थे एंड पिताजी सामने एक स्क्राइब के साथ ये बात कर रहे थे सो आई वॉज विटनेस टू दैट वेर ही मैंशन के जाना था हमसे दूर उनका फेवरेट गाना था उसमें मतलब से जो तो सी तो हम लोग बर्थडे क्या है डैडी जी हम लोग बर्थडे घर पे ना मनाते हुए ज्यादातर सुनील दत्त साहब के यहाँ जाते थे <laughs> उनकी मतलब वजह से बड़, बड़ी लंबी चौड़ी महफल होती थी वहाँ जाकर मेरे पास फोटोग्राफ्स भी हैं मतलब से विद संजय दत्त एंड नम्रता दत्त एंड प्रिया दत्त एज किड्स ऑफ कॉर्स ऑब्वियसली वो लेकिन और प्लस उनके गद्दी पर बैठ के जब उनके वजह से महफिल जो उनके संगीत की हो रही थी वो सारे हैं एंड एज इंसिडेंट्स पिताजी ना अपने घर पे मतलब वैसे उतना नहीं थे हिज बात करने का स्टाइल उनका ऐसा था था कि वो जब वो बात कर रहे हैं जो उनको पहचानते थे उनका इशारा वो बात करते हुए किस तरफ है क्योंकि ऑलवेज अ पैरल एंगल जिस तरीके से वो बात करते थे एक थोड़ी सी हम तीन भाइयों में ये बात आई हुई है एक्चुअली वो मस्ती वाली बात बिकॉज पिताजी में मस्ती कूट कूट के भरी हुई थी लेकिन घर पे वो मस्ती नहीं निकलती थी इनफैक्ट एक्चुअली जैसे कई चीज़ें हैं न, जो मैंने बाहर वालों से ही सुना है घर पे सोबर शांत वो अपने इस रूम से उस रूम में अपने सिर्फ चलते हुए अपने सिगरेट के साथ फिल्म जो थी सबसे पहले मैं आपको बताऊं गवार फिल्म वो प्रोड्यूस्ड बाय राजेंद्र कुमार ब्रदर डिफैक्ट हो बिकॉज राजेंद्र कुमार के ही पैसे लगे हुए थे उसमें एंड से ऑलरेडी ऑलवेज नौशाद साहब के साथ अच्छा होता था एंड आपको ये बता दूँ ये जो कोई भी नहीं जानता कि राजेंद्र कुमार जी जब बम्बई आए थे उनके गुरु के कुल गुरु जो पिताजी के हैं उनकी चिट्ठी बाबा लाल जी उनकी चिट्ठी लेकर राजेंद्र कुमार जी बंबई आए थे एंड पिताजी के साथ चन्नी रोड वाले घर में रहे थे एक महीने के लिए जिसके बाद वो शिफ्ट होकर दादर साइड पर उन्होंने अपनी ली सो so, ये बात मतलब से ज़्यादातर कोई नहीं जानते शाम बहल जो प्रोड्यूसर होते थे उन्होंने राजेंद्र कुमार जी से कहा था तो राजेंद्र कुमार जी जब वो चिट्ठी के साथ आए थे और पिताजी के साथ भेजा पे भेजा था सो आई थिंक गवार केम बिकॉज ऑफ दैट औरिजिनल कनेक्शन नहीं तो बाकी राजेंद्र कुमार जी के खुद की कोई फिल्म में पिताजी ने नहीं लिखा था सुनील दत्त जी के साथ इतने सारे फिल्में सुनील दत्त जी को दिलाए हैं मतलब जो साउथ में क्योंकि पिताजी इतने मशहूर थे साउथ में तो ही वुड चूज़ रजना कृष्ण जी के ऊपर छोड़ी जाती थी बात साउथ के प्रोड्यूसर और सब इतना भरोसा करते थे तो जहाँ सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स सारे साउथ के फिल्मों में सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स पिताजी लिखते थे तो उन्हीं के ऊपर वो बात रहती थी कि कौन हु टू टेक एज द म्यूज़िक डायरेक्टर द एक्टर एक्ट्रेसेस तो सुनील लज्जी को बहुत सारी फिल्मों में से किया था इनफैक्ट मदन मोहन जी की फेल्स फर्स्ट फिल्म जो साउथ में हुई थी वो थी भाई भाई एंड पिताजी के जाने वो तो करीबन फिफ्टींथ या सिक्सटीन फिल्म थी मदन मोहन जी की एंड उसके लिए मदन मोहन जी खुद मतलब अपने घर पर बता गए थे कि इट इज़ थैंक्स टू राजेंद्र कृष्ण जी जो वो मतलब वैसे साउथ चले गए थे एंड भाई भाई उनकी नियरली इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ सम फ्रिक्शन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर जो वो सिल्वर जुबली होने से पहले थिएटर्स में से निकाली गई सबसे ज़्यादा तो उनकी करीबी मतलब मन्द, वो मदन मोहन जी के साथ ही थी जहाँ 41 फिल्म्स टोटल थे जिसमें से 36 फिल्म रिलीज हुए एंड सभी लोग जानते हैं पिताजी के भी एंड मदन मोहन जी के भी बड़े बैनर्स तो मंदिर से आए नहीं जब तक राजकोसला जी से मदन मोहन जी का ताल्लुक ना हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ द फिल्म यूज़ टू रन स्लो एंड बहुत साल निकल जाते थे फॉर एग्ज़ाम्पल शराबी शराबी के इतने साल निकल गए चार पाँच साल के बाद मंदिर से वो जाकर रिलीज़ हुई सो ऑटोमेटिकली एंड विद देवानंद एंड मधुबला लेकिन जब जब जो जो होना है तब तब सोस वो होता है जैसे राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा है पड़ो, पड़ोसन में एंड पड़ोसन का कोई बंदा से ये बात जिक्र नहीं करते हैं अगर उनकी अगर पड़ोसन के सक्सेस के पीछे राजेंद्र कृष्ण जी का बहुत बड़ा हाथ है बिकॉज उन्होंने तो गाने डायलॉग्स प्लस स्क्रीन प्ले थ्री वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बट इट इज़ नॉट स्पोकन अबाउट सम डे समाइम आई मिलेगा डू समथिंग ऑन समेट हाँ जी ये हाँ फोटोज़ पर अगर आएँ तो इसमें भी ये मेरे ये मेरी छोटी दीदी uh, जो अभी दो साल पहले ही गुजरी हैं एंड दिस इज़ आदर्श पराशर पप्पू दीदी एंड माई ब्रदर लो दीपक प्राशर ये नॉट दी एक्टर ये इनके मतलब प्रोडक्शन असिस्टेंट थे इन फिल्म रजन कृष्ण जी और मदन uh, और महेंद्र कपूर जी जो वो भी मतलब से मदन मोहन जी के बगल की बिल्डिंग में ही रहा करते थे दिस इज़ विद आयस जौहर जी एंड दिस इज़ आई थिंक मिस्टर आई एम नॉट श्योर आयस जोहर के जी के साथ में दर्ल कपल ऑफ फिल्म जहाँ पर उनकी इंट्रैक्शन मतलब वैसे उनकी होती थी जहाँ पर uh, ओ पी रलन का सवाल है तो ये तो हमारे uh, पिताजी और सबको मतलब वैसे पंजाबियों में ज़्यादातर एक्चुअली ड्रिंक्स का तो शौक़ है ही एंड uh, रेसिंग का एंड थोड़ा गैम्बलिंग का जो शौक़ रहता था तो दिवाली पर हर साल कुछ कुछ लोग मतलब से आया करते थे वन ऑफ देम वज़ ओ पी रलन एंड थोड़ी कुछ वेरी फ्लावरी लैंग्वेज ही <laughs> उषा मंगेश उषा मंगेश हम लोग दो बिल्डिंग आगे ही रहते थे लता मंगेशकर जी के घर से प्रभु कुंज से हम लोग दो बिल्डिंग आगे ही सन्मीम में रहा करते थे एटपेट रोड एंड उषा जी के साथ भी सो so ऑटोमेटिकली लता जी के साथ करीबन सवा पाँच सौ गाने पिताजी ने लिखे हैं आई मीन ना कहीं भी ये बात बताई नहीं जाती है इट्स एंड ये उनके हंड्रे एंड फोर्थ ईयर सदस्य आई कीप ट्राइंग टू याद दिलाने के लिए कोशिश करते रहता हूँ कि राजेंद्र कृष्ण जी थे मगर तो उनका नाम ज़्यादा मतलब से लोगों के ज़बान पर नहीं आता है आर के नैयर जी जिनके साथ मतलब से अगेन बहुत सारी फिल्में आर के नैयर जी के जो जो फिल्में हुई थी वाइल्ड पिताजी वो द लाइव तो सब में राजेंद्र कृष्ण जी के गाने थे okay. उनकी वजह से एंड uh, इनकी फर्स्ट फिल्म जो जब वो डायरेक्टर कर रहे uh, कर रहे थे साधना जी की फर्स्ट फिल्म लव इन शिमला तो तब से ही मतलब वैसे पिताजी के गाने इकबाल कोरेशी जी के साथ सो so, पिताजी के मैक्सिमम उस आंटिल आनंद बख्शी जी के पिताजी के मैक्सिमम म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम हुआ था हाँ जी विमी जी के साथ ये इसलिए था बिकॉज वो उस समय वक्त वक्त का वक्त था सो so, उस समय इसलिए क्योंकि वो हीरोइन थी एंड सुनील दत्त जी के साथ तो वो भी उस समय मतलब वैसे शामिल हो गई वहाँ पर विमी जी एंड सुनील दत्त जी ऑफ कोर्स हमारे घर पे डैडी जी पार्टीज रखते थे अब ये मैं नहीं जानता अगर वे उनके मुंडन के टाइम पर था मेरे मुंडन के टाइम पर मतलब से कई सारे मतलब से आए थे तो धर्मिंदर जी राजकुमार जी एंड uh, हाँ जी इन दिस फोटोग्राफ वी गॉट राजकुमार जी एंड धर्मिंदर uh, जी ये फोटो की कॉपी मुझे बनाकर धर्मिंदर जी को गिफ्ट देनी है मतलब वैसे उनसे जब फ़ोन पर बात हुई थी तो मैंने कहा था कुछ फ़ोटोज़ हैं उन्होंने कहा था ज़रूर भेज दें तो ये मेरे लिए एक पेंडिंग बात है दिस इज़ एट वन ऑफ द मुशाह जो अरे जो महफिल जो जन्मदिन की थी सुनील दत्त जी के घर पे सो so यहाँ पर ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं एंड ये हैं नम्रता दत्त सिटिंग ऑन सुनील दत्त जी की लैप में एंड और इनमें सो so, पीछे सुजीत कुमार जी हैं सो दिस इज़ पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन जो सुनील दा जी करते थे बचपन में हम लोगों को तो कुछ पता नहीं था हम लोग सोचते थे कि पिताजी वहाँ पर सुनील दा जी के घर पे रख रहे हैं दी द थिंग्स वी डिट नो आई एम लिख एंड वी वो कैप्ट सिंपल एंड पिताजी ने भी हम लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से ज़रा दूर रखा था बड़े भाई ने थोड़ा सा काम तेज़ जो म्यूज़िक के हिसाब से जो कर रखा था फिल्म के हिसाब से मोस्टली इन टी वी सीरील्स एंड राजीव मेहरा के टी वी सीरील्स में अगेन ये हमारे पेड रोड वाले घर में जहाँ पर से आखिर में जैकपॉट जा, जा, हुआ था ये पेट्रोल वाले घर में हुई थी एंड uh, ये मैं मनोज कुमार जी के साथ मतलब वैसे यस मनोज कुमार जी के साथ वहाँ पर उस समय कुछ फिल्म हुए थे जो मेरे uh, चाचा जी ने प्रोड्यूस करी थी शादी उसके हीरो थे मतलब वैसे वो मनोज कुमार जी उसमें मतलब साथ में थे यहाँ पर वी हैव ऑन दिस इज़ मिस्टर राजदान के राजदान अपने उनके वो ही वोज अब स्क्राइब वो मीडिया में मतलब से थे वेरी क्लोज फ्रेंड ही राइट स्ट्रॉज इन द विंड उनका एक आर्टिकल बहुत मशहूर हुआ करता था एंड uh, साथ में सुधीर है एंड ओम oh, अंकल जी वॉज द लॉन्गेस्ट रनिंग फ्रेंड पिताजी की इन द फिल्म इंडस्ट्री पिताजी के दोस्त ज़्यादा नहीं थे वो उनको मतलब से ही डिन नॉट बिलीव इन कीपिंग माच ऑफ फ्रेंडशिप इन द फिल्म इंडस्ट्री एक्सली वो दूर रखते थे इसलिए हम लोगों को भी ऑबियसली बिकॉज बिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ही कप्टे फॉर द फिल्म इंडस्ट्री एंड वो अंकल जी है जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई एक ट्रेन लोकल ट्रेन में एंड इनका जो नाम मतलब वैसे जब ये लाहौर में आ, करते थे तो वो एक अपने अलग नाम से वो करते थे जो पिताजी जानते थे और वो उस ट्रेन के राइड के दरमियान जब तक वो उतरे तो वो उतरे एज फ्रेंड्स एंड दे वो फ्रेंड्स फॉर एवर बिकॉज पिताजी के गुजरने के बाद अगले साल मेरी शादी हुई है एंड ओम अंकल जी दिल्ली में शादी पर मेरे शामिल हुए थे एक तरीके से पिताजी के ओम अंकल जी भी थे एंड अनिल कपूर जी के फादर सुरेंद्र कपूर जी के जिनके चार फिल्मों में मतलब से पिताजी ने लिखा था वो भी थे मतलब से वहाँ पर एट द वेडिंग फिर अगेन साधना एन नैयर जी आई थिंक वी कवर्ड दिस ऑलरेडी अगेन सुनील जी वाली फोटोग्राफ सो आई थिंक आई कवर्ड ऑल दिस फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ तो बहुत है मतलब से वो मुझे ध्यान नहीं रहा एंड इतना ज़रूर कहता हूँ कि आई एम रियली प्राउड पिताजी का बेटा होने के कारण इट्स सैड दैट आई मीन यू नो बिकॉज वो उस समय इतना टाइम उनका जाता था फिल्मों में करीब साठ फिल्मों में उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं ये भी बात लोगों को एक्चुअली पता नहीं है ढंग से मैं कोशिश करता हूँ याद दिलाना एंड साठ फिल्में मीन्स दैट्स लाइक राइटिंग मोर देन सेवन एट हंड्रेड सॉन्ग्स अगर साठ फिल्मों में अगर आप जाकर डायलॉग्स लिख लो गाने तो यू ही में तो वैसे वो ऐसे चलते, चलते चलते और वो लिख लेते थे अपने सिगरेट के पेपर के ऊपर ही यू टू यूज़ द सिगरेट पेपर वेरी 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 वाइजली कुछ भी मतलब वेस्ट नहीं होने देते थे उसमें एक बार रंजीत जी मुझे मिले ये नीचे जो वहभव सांगी हैं उनके उनके घर पर रंजीत जी मिले उन्होंने कहा कि एक बार मुझे रेसकोस पर राजेंद्र कृष्ण जी मिले वेयर इन द वॉशरूम वो एट द एट वो वहाँ पर मतलब जहाँ पर हम और दूसरी चीज़ करते हैं वहाँ पर वो कागज़ के साथ अपने हाथ में पेन के साथ थे इन्होंने कहा पंजाबी में मतलब की कर रहे हो जी राजेंद्र जी और वो कह रहे हैं अरे क्या प्रोड्यूसर बाहर है वो मेरी जान खा रहा है गाने के लिए <laughs> वो पर गाना लिख रहे हैं वो पेपर अंदर विद सिगरेट सिगरेट पैक के अंदर सो वंडरफुल शार्ट फिल्म वो तो शार्ट फिल्म एज डायलॉग राइटर सो डायलॉग राइटर के हिसाब से उसमें पड़ोसन तो आ ही गई ही इज रिटर इन द साउथ उनके जब uh, बाहर आई थी जो कि बजंती माले जी की फर्स्ट फिल्म थी इनफैक्ट बजंती वाला की लास्ट हिंदी फिल्म ऑल्सो गमार थी सो हर फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म ऑल्सो वर विद कृष्ण जी एंड डायलॉग्स वाइज कॉमेडीज़ में आप देखिए साधु और शैतान प्यार किए जा पड़ोसन बॉम्बे टू गोवा आप सोचिए कि मतलब वैसे महमूद साहब के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म थी ये सारे फिल्मों में सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स दोनों मतलब वैसे महमूद साहब की फ़र्स्ट फिल्म थी पड़ोसन जो उन्होंने खुद अपने बैनर के हिसाब से जो प्रोड्यूस करी थी एंड उसके मतलब वैसे दैट वाज़ द फर्स्ट फिल्म जिसमें एक फ्रेश न्यू टाइटल सॉन्ग मतलब वैसे बनाया हुआ था फॉर दी एडवर्टमेंट जो कि ज़्यादातर मतलब से लोगों को सुनने में भी नहीं आता है एंड हिज फ्रेंडशिप विद महमूद साहब ओ सो कि लॉर्ड ऑफ डायलॉग्स महमूद साहब ने इम्प्रॉपटू मतलब से वो निकालते थे सो इसलिए प्यार किए जाए जो ब्यूटीफुल इंटरेक्शन जो है ओम प्रकाश जी के साथ में उसमें वो कहते हैं ये रजंद कृष्ण का घर कहाँ है जब वो फिल्म बना रहे हैं ये अगर आप देखें दैट इज़ नॉट रिटन बाई डैड ऑब्वियसली मतलब से यू द वेरी लो की पर्सन वो तो महमूद साहब ने अपने मतलब से ऑन द स्पॉट मतलब से कह रखा होगा बिकॉज द डायलॉग्स वॉज वो अपनी कहानी सुना रहे हैं खुद फिल्म की ये सब चीज़ उनके मतलब वैसे उनमें वो ये इम्प्राम चीज़ें मतलब वैसे बहुत सारी थी खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक था हर कई कईयों के मतलब से ऑलरेडी ये आ, बातें मौजूद हैं या तो रवि साहब के हेमंत कुमार जी के मदन मतलब मोहन जी के यहाँ तो मतलब वैसे ऐसा था कि नज़दीक रहते थे तो उनके घर पर तो वॉकिंग डिस्टेंस पर था जिस दिन उनके यहाँ सिटिंग होनी थी तो वो ऑटोमेटिकली सीटिंग लंच टाइम के करीब होती थी तो पिताजी जरा सा नाश्ता कम ही करते थे उस दिन एंड जाते थे बिकॉज़ मदन मोहन जी अ फैंटेस्टिक कुक एंड उनके यहीं हाँ जाकर खाना खाना मीन्स ऑफ कोर्स खाना मतलब तो वैसे सिटिंग तो बाद में होती थी खाने के साथ में मतलब से ड्रिंक्स एंड उनके सब बंदे वैसे बिकॉज कोर्स भी का शौक था इन लोगों को रेसलिंग के लिए जाते थे क्योंकि मतलब से मदन मोहन जी बस खुद हम लोग अपने वो वॉज अ काइंड ऑफ बॉडी बिल्डर इंड स्टफ़ एंड रेस्टर सो ये सब बंदे वैसे हम लोग फैमिलीज भी साथ में जाया करते थे एट वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम वी गॉन फॉर क्वाइट ऑफ दोस्त गीट टुगेदर एंड यादें तो मतलब से उनकी वह से उनकी कॉमिक चीज़ें वो मतलब से ज़्यादातर घर के अंदर वो सर्कुलेट करते थे अपने लुंगी एंड बनैन में एंड उनको ज़रा हाइट्स का का डर था इसलिए हम लोग फर्स्ट फ्लोर जो थर्ड फ्लोर के हाइट पर फ्लैट है वो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर थे नेपिंस रोड पर पेडेड हॉल पर पे, पे। खिड़की पर मतलब से वो डायरेक्ट मतलब से नहीं खड़ा करते थे वो थोड़ी डिस्टेंस पे होकर दैट वॉज हि स्टाइल ऑफ स्टैंडिंग देर एंड ही I don't think एम लिक like he had enemies in the industry एक तरीके से मतलब वैसे वो उनसे दूर ही रहते थे ज़्यादा ना ही मतलब वैसे वो अपनी शो वो करा करते थे उनको जैसे मदन मोहन जी का मतलब मदन मोहन जी अपनी खुद की बात जबकि मदन मोहन जी वो सब साचन इलस्टर्स बैकग्राउंड जिसकी वजह से उनसे मतलब वैसे बहुत सारे जो लोग जलते थे एंड मैंने ये फेसबुक पर मैं कई बार बोलता हूँ घर घर भले ही उनकी फैमिली नहीं बोल सकती है ऑब्वियसली बिकॉज दैन पीपल विल रन डाउन बट आई से इट वेरी ओपनली

मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन जो मतलब मोहन जी ने कर रखे थे वे बियड वॉट पीपल कैन डू आई मीन जाना था हमसे दूर यूं हसरतों के दाग जमी से हमें आस वहाँ पर एंड उनको ये शिकायत है कि हम अदालत के ये सारे गाने थे आई मीन दैट मूवी रैन अलॉट प्रॉबली विद द सॉन्ग्स एंड डायलॉग्सो इट्सल्फ एंड क्या कहूँ पिताजी के मतलब वैसे हिज इनिंग्स वॉर द लॉन्ग इनिंग्स 1947 में उनकी फ़र्स्ट फिल्म रिलीज़ हुए थे 1987 में जब वो गुजरे हैं वो लिख रहे थे तब तक एंड इनफैक्ट एक एक फिल्म तो जिसमें गाने उनके कम थे मगर लेकिन तीन साल बाद वो फिल्म uh, रिलीज़ हुई है दैट वाज थ्री इयर्स आफ्टर हिज डेथ सो ही वाज राइटिंग ऑल अलोंग इज जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली जब जैकपॉट लगा तो लोगों को लगा कि अभी उनको क्या शौक़ होगा क्योंकि फोर्टी एट इन दैट टाइम वो द्यूज अमाउंट एंड उनको लोगों को लगा कि मतलब से शायद अभी उनका इंटरेस्ट लिखने में नहीं होगा

एंड सिमी और रिया उनके मतलब वैसे उनकी ग्रुप भी है सिमेट्री जो इंग्लिश के हिसाब से एंड ए आर रहमान जी के नेक्स्ट फोर प्रोजेक्ट में मतलब वैसे दे आर वन ऑफ द फोर पीपल सेलेक्टेड इन दैट एंड इन लोगों की लाइव सिंगिंग हैज़ बीन अलॉन्ग विद शाली कोलगुटकर एंड अनन्न्या बिरला एंड कौर विच कौर हर्षदीप कौर इन सब के साथ लाइव शोज पर मतलब ये सब जाकर आए हैं एक बार तो ये ऑस्ट्रेलिया जाकर उनसे रात को पहुंचे एंड अगले दिन पिताजी के शो के लिए जो मैंने रखा था उन पर आकर ये गा गए वंडरफुल न्यू न्यू एज टाइप ऑफ सिंगिंग इनकी है एंड आई होप पीपल लिसन टू रिया एंड सिमरन दुगल आई होप पिकेट डो ऑल्सो इट वज़ प्लीज थैंक यू वेरी मच बड़ी खुशी हुई आप सबसे बात करके एंड आई होप राजेंद्र कृष्ण जी का नाम लिया जाएगा पल पल दिल के पास वो रहते हैं उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं काश हम एक्चुअली उनसे मिल पाते बट वी सिंग लाइव कॉन्स्टेंटली आज भी हमने एक मेडली गाया ऑफ फोर फाइव सॉन्ग्स गाए हमने एंड uh, उसमें से एक था गोरे गोरे ओ बाके छोरे इना मीना डीका ने फ्रॉम पड़ोसन और uh, गाते रहते हैं हम खुद भी शोज़ करते हैं तो उनके गाने बहुत सारे गाने गाते हैं एक्चुअली हम लोग एक मेडली करते हैं और फिर हम लोग गा रहे थे शायद गोरी गोरी था ठीक <laughs> है अवय सिंह की मतलब हम रियलाइज ही नहीं हुआ कि दादाजी का गाना है एक्चुअली क्योंकि लाइक जा रहे लिस्ट में है बहुत सारे गाने फिर भी लाइक अरे इट्स हिज सॉन्ग क्योंकि हिज सॉन्ग्स आर सो बिग दैट जस्ट फील ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ हिज लेगेसी सो थोड़े लाइन्स गा देंगे गोरे गोरे ओ बाकी छोरे कभी मेरी गली आया करो गोरी गोरी ओ बाकी छोरी चाहे रोज बुलाया करो क्या कहा मुझे अच्छा कहानी तो रॉन्ग पीपल फॉर दैट बिकॉज वी ने पापा ही बोल सकते हर साल उनके बर्थ एनिवर्सरी और उनके डेथ एनिवर्सरी पे हम कुछ फंक्शन करते हैं जैसे आज हमने किया और उनको सेलिब्रेट करते हैं तो दिस इज़ आर मेमोरी ऑफ हिम